है, है राष्ट्र विश्व का एक अंग और विश्व ईश का दर्शन है। ऐसे महान पूज्य पर तो कुछ कहना ही बचकाना है, ये तो नादानी होगी ही, दिनकर को दिया दिखाना है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि अवसर मिला बोलने का, अज्ञान तिमिर से निकल आज उन्नति के द्वार खोलने का। इको बंद कर दे पूरा, है ना, बेस बढ़ा दे, इको बंद कर दे, बिल्कुल बंद कर दे, ठीक है। शादी हो गई नहीं तो ठीक है, मतलब ये अच्छा है कि सीनियर आदमी ला माइक में बैठा है, नहीं तो अगर कोनो कम उम्र के टूरा ला माइक में बैठा देते ना तो मोला देखे कि के चक्कर लगाते। और का है बिलासपुर के तो हर कोई एकदम खास है, मैं बिलासपुर खूब आए हूँ, मोर घर है, मोर ससुराल भी है। बिलासपुर के एक बात खास है कि यहाँ के आदमी एकदम झकास है। बिलासपुर के एक बात खास है कि यहाँ का आदमी एकदम झकास है। सिगरेट हाथ में लेके माचिस मांगने वाला मैंने हजार देखे हूँ, फिर बिलासपुर में माचिस धर के सिगरेट मांगते। जबरदस्त आत्मविश्वास है, एक स्थिति बिलासपुर के आदमी एकदम एकदम। नोट के चिल्लर मांगने वाला मैं हजार देखे हूँ, पर यहाँ चिल्लर के नोट मांगते। देखना चाहते आगू वाले के कितना औकात है, एकर सेती बिलासपुर के आदमी एकदम। जेन टुरा मन टुरी के मोबाइल चार्ज कराते काबर खास है, जेन टुरा मन टुरी के मोबाइल चार्ज कराते वो टुरी हर दूसर संगठिया था। जबरदस्त आत्मविश्वास है, एकर सेती बिलासपुर के आदमी एकदम एकदम झकास है। एक लड़का आई दूसरी क्लास में पढ़त रहा है, क्लास टू में, और हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल के पास आ गया, बोला 15 दिन के छुट्टी चाहिए। प्रिंसिपल बोलिस था क्लास टू में पढ़ता है, हाई स्कूल काबर आ गए। अच्छा ठीक है चल। अब प्रिंसिपल ला मजा लेना रही से, बोलिस चल मोर एक सवाल के जवाब दे, मैं तो ला 15 दिन के छुट्टी दूँ। तो लड़का बोलिस पूछो, बिलासपुर के लड़का पूछो, पूछी के कोटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब बिलासपुर के लड़का के आईकॉन देखो, कर आईक्यू देखो कितना डेवलप है, वो किस की हो सकत है कोटप्पा बाहुबली से छुट्टी मांगे बर के हो, और बाहुबली ना दिए हो। एकर सेती बिलासपुर खास है, काबर यहाँ के आदमी एकदम। यहाँ का है कोनो नवा टूरी बिहार हो के आत है, शादी के 2-4 महीना बाद वो नींबू इमली खात है, तो ये मत समझो कि उम्मीद में है, यू हो सकत है कि रात के दारू ना उतरे हो। जबरदस्त आत्मविश्वास है, एकर सेती बिलासपुर के आदमी एकदम। यहाँ के सास घरों बहुत तेज, वो अपन बेटा नातिन खिलात रहा है, ओकर हाथ ले बिछल गए, बहु कॉन्वेंट के पढ़े हुए, भड़क गए एकदम, डोंट टच माई चाइल्ड, कल से मेरे बेटे को मत छूना। अब बिलासपुर के सास के ताकत देखो, वो चीज हाउ बहु, मैं तोर बेटल नहीं छुओ तो मोर बेटल झन छूए। ये आत्मविश्वास है, एकर से ती बिलासपुर के आदमी एकदम झकास है। और बिलासपुर एकर से ती महान है, ये बिलासा के नगरी है। ये इस कॉलेज पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, रामनारायण शुक्ला जी, रमाकांत मिश्रा जी, ये त्रिवेणी के संगम है। और ये कॉलेज हर न जाने कितना, बहुत जन तो मोरे जान पहचान के, डॉक्टर प्रदीप नारायण तिवारी जिन यहाँ प्रोफेसर रही है, DIG IG काका होके रिटायर हुई, उन मोला पढ़ाए रही है, सुबोध शर्मा उन मोला पढ़ाए रही है, बाकी बिहार जी शुक्ला जी आजकल अब थोड़ा नॉर्मल अस्वस्थ है, तेकर सेती मैं उन बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। काए छत दरो दीवार से कोई घर घर नहीं होता, अरे जिस घर में ये बुजुर्ग नहीं होते वो घर कभी घर नहीं होता। बुजुर्गों का सम्मान करिए, बुजुर्गों का सम्मान करिए, तब आप ये जो बेटी हैं मात्र शक्तियाँ, बेटियाँ जो हिंदुस्तान का कल है, बेटी से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं होती, मंच पे भी है। ये जिंदगी के कितने किरदारों को जीती है,
बेटी बहन होती है, प्रेमिका होती है, पत्नी होती है, माँ होती है, सास होती है, लेकिन होती है बेटी। फली फूली टहनियां जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं, अरे बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती, बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती हैं, बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं, उन्हें आभास होता है। और बेटी सास समुंदर पार अमेरिका में हो और माँ बिलासपुर में खांस दे तो बेटी को एहसास होता है, ये बेटी की ताकत है। बेटी से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। एकर मतलब ये नहीं है कि बेटा मन को पूरा बुहा का है, उकरो मन के रोल है भाई। रात के 11 बजे नींबू अदरक लाना है तो बेटी नहीं ला सके, बेटे लानी, और जिंदगी भर वो नींबू अदरक के लात रही थे। पानी गिरत रहा है भादों के महीना, एकदम भींगत एकदम कच्चा, वो गोल बाजार में दही खरीदेगी तो कर दुकान वाले कहा थे तोर बिहाव हो गए है तो भी तोला शर्म नहीं आए, मोर माँ भेजी है तेक रात के बे काबर दही सबो लाल पड़ते शर्मा जी, चाहे कतको बड़े प्रोफेसर हो जाओ। ये आशीष मनीष शर्मा बहुत होशियार, मैं पिछले बार आए तो मोला गोल बाजार में मिल गए, कहा थे दुबे जी गुलाब जामुन खाऊ, मैं क्या खवाबे काबर नहीं खाऊ, खाए लगे ये अपन उठ के कहा थे तै खा, मैं हाथ धो के आता हूँ से, और गीस तो लहूटे की नहीं आई, 80 रुपया बिल लगी ही पटाए। आज फिर आया कि दुबे जी गुलाब जामुन खाऊ, मैं खाऊं फिर पानी पिए बर मैं जाऊं, ये दिक्कत है। आज शिक्षा के नाम से मैं अभी 10 तारीख के अमेरिका में रहे हूं, 10 अगस्त के अमेरिका के शिकागो शहर में नाचा नाम के एक संस्था है, नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन, जेकर 1000 मेंबर यूएस और कनाडा में है, उकर मन के सम्मेलन में मैं उपस्थित रहा। आप अपन संस्कार ला जिंदा रखो, छत्तीसगढ़ एकर सिटी छत्तीसगढ़ है। आज स्नातक कॉलेज या आप जन डीपी विप्र कॉलेज कहता हूँ, ये कॉलेज और दूसर कॉलेज में का अंतर है? सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ संस्कार है, यहाँ संस्कृति है, यहाँ शिक्षा है, यहाँ ज्ञान है, यहाँ विद्या है, यहाँ सम्मान है, यहाँ शिक्षक है और यहाँ शिक्षक दिवस है। लेकिन बहुत सारे कॉलेज, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप लोग समझते हैं कि बिलासपुर रायपुर में ऐसे बहुत कॉलेज हैं जो सिर्फ कॉलेज हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये कॉलेज नहीं है, 1969 में बना हुआ ये कॉलेज कॉलेज नहीं है, ये विश्वामित्र का आश्रम है, ये द्रोणाचार्य की दीक्षा भूमि है, ये संदीपनी का आश्रम है, यहाँ मेरे जैसे कितने सुधामा दीक्षित हुए हैं, इसलिए इस मिट्टी को प्रणाम करता हूँ। आपके माँ बाप ने काफ़ी उम्मीद से यहाँ आपको भेजा है, आप काफ़ी सपने लेकर आए हैं, आपकी ज़िंदगी का गोल क्लियर है कि आपको कहाँ जाना है, और उस जाने में ये शिक्षक जो मेरे पीछे आजू बाजू खड़े हैं एक मोमबत्ती की तरह आपके लिए जलते हैं। शिक्षक को इस बात की खुशी होती है कि मेरा विद्यार्थी कलेक्टर बन गया, वो गर्व से बताते हैं, मेरा विद्यार्थी प्रोफेसर बन गया, मेरा विद्यार्थी बड़ा वैज्ञानिक बन गया, ये शिक्षक का गर्व है। उसको मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसे गर्व होता है, वो आप पे गर्व करना चाहता है। शिक्षक दिवस में आप शिक्षकों का सम्मान करिए, शिक्षकों को ज्ञान, वो जो ज्ञान देते हैं ज्ञान लीजिए, काबर के आजकल सब लड़का अंग्रेजी स्कूल में पढ़त कॉन्वेंट में, पैदाइशी कंफ्यूज, एक फादर स्कूल में एक फादर घर में, बच्चा डिसाइड नहीं कर पाते ओरिजिनल फादर कौन है। आप किसी के घर जाइए, जाकर बैठिए, आंटी एक कप चाय रखेगी, पिंटू बेटे, फिर एक नंगा बच्चा टाई बांध के आता है, अंकल को पोयम सुनाओ, फिर वो चालू हो गया, डिंग डोंग वेल पुसी इन द वेल हु पुट हर इन, लिटिल टॉमी डिन हु पुट हर आउट, लिटिल टॉमी स्टाउट, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। आप अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाएं, अंग्रेजी से परहेज नहीं है मेरे को, मैंने विश्व के 11 देशों में कविता पढ़ी है, सिर्फ अमेरिका के 48 शहरों में कविता पढ़ी है। मैं कहता हूं कि अंग्रेजी आपके बच्चे को पैकेज दे सकती है, जॉब दे सकती है, उद्योग दे सकती है, व्यापार दे सकती है, लेकिन सिर्फ हिंदी और छत्तीसगढ़ी है जो आपके बच्चे को संस्कार दे सकती है। संस्कार को जिंदा रखिए। का है छत्तीसगढ़ी, व्हाट इज छत्तीसगढ़ी, दुख पहाड़ा ला चार बार पढ़,
दुख पाड़ा ल चार बात पर अमता भाटा खा मुनगा ल चुचर राजीव में नहा के डोंगरगढ़ में चढ़ एला कि थे बाबू छत्तीसगढ़। मैं विश्व के 11 देश में कविता पढ़े हैं, ये कोई बड़े बात नहीं है। हिंदुस्तान के 4 बड़े विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, रविशंकर विश्वविद्यालय, मोर ऊपर 4 PhD के उपाधि दीस, ये भी कोई बड़े बात नहीं है। मोर 10 किताब छपीस, ये भी कोई बड़े बात नहीं है। विश्व के हिंदुस्तान के जितना सम्मान है वो सब सम्मान मोला मिले। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सम्मान, विक्रमादित्य सम्मान, अट्ठास ठहलका काका हाथरसी और पंडित सुंदरलाल शर्मा और भारत सरकार के 2010 में आमिर खान के साथ पद्मश्री, लेकिन ये भी कोई बड़े बात ना है। बड़े बात अगर कोई है तो सिर्फ ये है कि मोर जन्म छत्तीसगढ़ में हुए है और मैं छत्तीसगढ़ी हूँ। ये मोर ताकत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी मेरी माँ है। और विश्व की कितनी भी सुंदरी हो, चाहे वो ऐश्वर्या राय भी क्यों ना हो, वो मेरी माँ से सुंदर नहीं हो सकती। मेरी भाषा हिंदी है, मेरी माँ हिंदी है, मेरी माँ छत्तीसगढ़ी है, मेरी माँ छत्तीसगढ़ी है। हम अपने भाषा में, संस्कार में जिएंगे तभी चलेगा। लेकिन लोग आजकल कंफ्यूज है। मैं तो दिल्ली में रहा, एक जन बोला मिल गए कहीं से, मैं भी बिलासपुर का हूँ, जमड़ी का, जुमड़ी जमड़ी, आई बिलोंग टू छत्तीसगढ़ बट आई फॉरगेट छत्तीसगढ़ी ही से खा। मैं क्या, अच्छा तह दाई बहनी गाड़ी दे, कैसे बात करते हैं? मैं कैसे समझ के बेटे तो भूल गया है छत्तीसगढ़ी ना। तो छत्तीसगढ़ी यूं काम आते कि तह तोर औकात का है, ओए छत्तीसगढ़ हूँ बिलासपुर, अरे एकर तो IQ अलग है। बिलासपुर के छत्तीसगढ़ी और बिलासपुर में जिन छत्तीसगढ़ी यहाँ पने कैसे आबे, निश्चित लिया हूँ। बहुत देर तक सोचा थे निश्चितली का होते, अबे डेफिनेटली। छत्तीसगढ़ी ला अंग्रेजी में लाए के करामत बिलासपुर दिखाए। बिलासपुर के एक लड़का एम्स के सामने में पान ठेला खोली दिल्ली में, और बिलासपुर के पास के रतनपुर के लड़का वहाँ डॉक्टर बन के चले गए। अचानक मुलाकात हो गए कि भाई थे तो बिलासपुर के, मैं रतनपुर के, मोर भाई आए हैं यहाँ जचकी हो बर, और मोर ददा घलो आए हैं, लेकिन हमन गाँव के का हो ही चंदा थोड़ा स्टाइल से बताबे, मोला लाज लगते। लड़का हो ही तो कही देवे टमाटर होए, और लड़की हो ही तो कही देवे गाजर होए। अब वो डॉक्टर बाहर निकली बिलासपुर के, बधाई हो मितान, बधाई हो, इसके जुड़वा हो रही से सलाद होए है सलाद। ये IQ है, एक सठी बिलासपुर महान है। बिलासपुर के खूबी बहुत है यहाँ, मतलब जितना ये जन कॉलेज है बताते ना कि आदरणीय अनुराग जी बहुत कम बोली। मैं अभी इला तिवारी जी ने कहा रहे हूँ, बोले ये बता इतना कम तो चेयरमैन बोलते अनुराग जी है, एकर ले मनमोहन सिंह सीखे है कि मनमोहन सिंह ने ये सीखे, कम बोला ही कैसे सीखे, बहुत कम बोलते, इतना कम बोलते कि कुछ हदे नहीं है। आई सौगीस खैर होकर पूर्ता माननीय हमारे प्राचार्य महोदय बोल दे रही से, वो भरपूर बोले हैं, एक सटी कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस हो गया। आज अपने जीवन में ये जो बच्चे बैठे हैं इनसे कहना चाहता हूँ, अब्दुल कलाम साहब को याद रखो, उनकी सुक्ति को याद रखो। जिस कमरे में आप रहते हो, जिस टेबल में आप बैठकर पढ़ते हो, उस टेबल में इस सूत्र वाक्य को लिख कर चिपका दो। और वो सूत्र वाक्य कलाम साहब ने कहा था कि सपने वो बड़े नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो बड़े होते हैं जो सोने ही नहीं देते। इसमें कवि बिरादरी ने 2 लाइन जोड़ी, अपने वो नहीं होते हैं जो दुख में रोने के लिए आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते हैं। आज का है जमाना इतना खराब चलत है, बेटा बाप के नहीं सुनत है, भाई भाई के नहीं सुनत है। इतना में 12 बजे 1 बजे दोपहर के आप मोर सुनत हो, ये कम बड़े बात है कि आप सुनत हो। 45 मिनट आप क्लास में नहीं सुनोते, मोर सुनत हो अतका देरी से काबर। ओकर कारण है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी, छत्तीसगढ़ के संस्कार के बात करत रही से, हमारे यहाँ दीदी है प्रिंसिपल साहब है, और भाई बहनी के और बेटी के विदा के बारे में बात करती। मैं आप एक सही घटना बता,
मोर बड़े भाई के शादी लोरमी में हुए है, बिलासपुर लोरमी, तखतपुर कोटा लोरमी में। मैं अपन भाभी ला लेबर आए रहा हूँ, एक बेटी के विदा हुईस, बेटी कठल कठल के रोवे, नहीं जाओ दादू, नहीं जाओ बाबू, नहीं जाए पर ही बेटी नारी धर्म जने जाए पर ही। और वो रोए कस के टूरी, और मैं हंसा। तो मोर भाभी कहे आपको शर्म नहीं आती, बेटी की विदा हो रही आप हंसते हो इसे का। मैं कहे चाहे कर अभी नाटक ल देख बे, क्या नाटक करेगी, रो रही है वो। अब रोवत के गाड़ी में बस में बैठ गए। मैं अब देख पे थोड़ा देर बाद खामी करके गौड़ खामी करके बस स्टैंड खामी आई। मैं अब देख बे वो अपन फ्रेश शोरूम डिलीवरी वाले नवा दूल्हा, नवा दूल्हा एकदम फ्रेश भाप निकलत रही स्टेशन वाले कुछ किस बोले पान लानते जी इसे क्या। मैं क्या देखे अगर सेकेंड फेस ऐसे क्या, और पान लाए पर गीस पान ला लानी खाई भैया बहुत रोवत रही से भौजी गलो मारे रोवत रही से बहुत चमन बाहर नहीं डरवाए रहे हो का उसे। मैं क्या सेकेंड फेस का है, हमार छत्तीसगढ़ में हाथ से जबरदस्त है। यहाँ ना एक ऐसा परंपरा है, यहाँ छत्तीसगढ़ी में लोगन शादी ब्याह में गाते और कोनो मर जाते ना तो गा गा के रोते, गा गा के रोए के परंपरा सिर्फ छत्तीसगढ़ में कहूँ नहीं है। यान डोकरी रोवत रहा है और डोकरा मर गया है तो आज के दिन तो ददा होतीस बेटा अपन दुख ला मैं रो डालते हो ना, जैसे मरार के गोभी फूले बेटा तैसे तो ददा ला टोपी खुले ना। ताली बजाओ सांस लेना है। आज के दिन तो ददा होतीस बेटा अपन दुख ला मैं रो डालते हो ना, जैसे मरार के गोभी फूले बेटा तैसे तोड़ ददा ला टोपी खुले ना, जैसे मरार के मिर्चा फूले बेटा तैसे तोड़ ददा ला मेछा खुले ना। गा गा के रोते छत्तीसगढ़ के परंपरा अजीब है और छत्तीसगढ़ के कॉन्फिडेंस तगड़ा है। मैं एक झन ले पूछे कैसे तो लड़का तोतरा थे का, हमेशा नहीं तोतरा है बोलते तब तोतरा थे। हाई क्यों बड़ा तगड़ा है, ये जवान पीढ़ी जानना चाहती है इनका आइकन कौन है, हु इज रोल मॉडल ऑफ यूथ, जवानों का आइकन कौन है, जवानों का रोल मॉडल कौन है। आज इस भव्य कॉलेज में जिसने संस्कार और संस्कृति का महायज्ञ किया है, जो त्रिवेणी परिसर